नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि रिजल्ट आखिर कैसे तैयार किया जाता है। नीचे वाले कैटेगरी का स्टूडेंट का सिलेक्शन अधिक हो जाता है, जबकि ऊपर वाले कैटेगरी के स्टूडेंट का सिलेक्शन कम ही हो पाता है, और अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका कारण आप लोग को बताएंगे और पूरी जानकारी आप लोगों को रिजल्ट के साथ उदाहरण के द्वारा आप लोगों को सही जानकारी के साथ पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए कि रिजल्ट आखिर कैसे बनता है और रिजल्ट किसी भी एग्ज़ाम में बनाने के लिए क्या क्या आपको करना होगा, कितना मार्क्स लाना होगा, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, एक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आई थी, उसमें बताया गया था कि सिपाही भर्ती में जो हुआ था 9900 पदों पर, उसमें मात्र 64 जनरल स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाया था। इसका कारण यह है, जो आगे आप लोगों को जानकारी मिलेगी, और आप सभी देख सकते हैं यह फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है। जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें तमाम बच्चे का लिस्ट है, और किस बच्चे का किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को आगे भी मिलेगी। जो आप लोग देख सकते हैं, कास्ट जनरल EBC SC ST जो भी स्टूडेंट है, अगर उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है तो वह स्टूडेंट BC से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के सीट पर फाइट कर लेते हैं। यानी अगर आप लोग VC हैं और अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपका जनरल सीट पर आपका सिलेक्शन होता है। इसी प्रकार CSBC के द्वारा अब तक जितनी भी वैकेंसी आई है, इसी प्रकार से रिजल्ट तैयार किया जाता है। और उदाहरण के तौर पे आप लोग जानते होंगे, जब किसी भी वैकेंसी का विज्ञापन जारी होता है तो उसमें बताया जाता है कि सामान्य वर्ग का वैकेंसी इतना है और पिछड़ा वर्ग का वैकेंसी इतना है। लेकिन जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर सामान्य वर्ग का कटअप अगर 80 जाती है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कटअप अगर 60 जाता है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, अगर उनका मार्क्स 82 आ जाता है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जनरल में हो जाता है। और इस प्रकार से जनरल वाले सीट में EBC, SC, ST और ये सभी स्टूडेंट जनरल के सीट पर भी फाइट कर लेते हैं, और जिसका कारण होता है कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट का अगर अच्छा भी मार्क्स आता है तो फिर भी उनका सिलेक्शन अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट उस सीट पर फाइट कर जाते हैं, जिसके कारण सामान्य वर्ग के वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और उदाहरण तौर पर कटअप जो जारी किया जाता है, जो आप लोग देखते होंगे, और यही कारण है कि जब आप लोग कटअप लाते हैं, और जैसे कि नीचे वाले कैटेगरी का स्टूडेंट अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर उनका सिलेक्शन अच्छे मार्क्स आ जाता है तो वह नीचे वाले स्टूडेंट ऊपर वाले स्टूडेंट के स्थान पर भी जा सकते हैं। और इसी कारण है कि अगर आपका अच्छा भी मार्क्स होगा फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे आप लोग और देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया, इसमें साफ तौर पे बताया गया था कि BC वाले स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में फाइट करके उनके स्थान पर उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक इसी प्रकार जितनी भी वैकेंसी अब तक बिहार में दी गई है, CSBC के द्वारा वैकेंसी दी जाती है, ठीक इसी प्रकार आप लोगों का सिलेक्शन होता है। और जो SC स्टूडेंट हैं, अगर उनका मार्क्स अच्छा रहता है और जनरल के मार्क्स के पार चले जाते हैं तो उनका सिलेक्शन जनरल के स्थान पर हो जाता है। और बाकी अगर जनरल वाले स्टूडेंट का मार्क्स 81 है और SC ST वाले स्टूडेंट का अगर 82-83 आ जाता है, तो फिर SC वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जनरल वाले स्टूडेंट के सीट पर वह फाइट कर जाते हैं, और जनरल का जितना भी सीट होता है वह उस सीट पर उनका सीट फिक्स हो जाता है। और बाकी जो स्टूडेंट जनरल वाले होते हैं उनको सिलेक्शन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार जितने भी वैकेंसी आप लोगों को मिलती है और जितने भी वैकेंसी का रिजल्ट आता है, इसी प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है। इसलिए अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना होगा, तभी आप लोगों का रिजल्ट होगा। काफ़ी बच्चे कॉमेंट के द्वारा हमें यह बता रहे हैं कि उनका मार्क्स अच्छा है, यानी 70 है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी SC हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कारण यही है कि जिनका भी मार्क्स अच्छा है, अगर जनरल की बात करें तो जनरल अगर स्टूडेंट का 70 है और SC स्टूडेंट का 70 है, तो SC कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनका सबसे पहले वरीयता होता है, उसके बाद उम्र का भी वरीयता दी जाती है,
तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से सिलेक्शन होता है। बाकी आगे की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी भी हमारी बात अगर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा भी आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।